राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा और आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है। लास्ट में हम देखेंगे एक गुड न्यूज़ जो आपको 1 से 15 सितंबर तक मिल सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मीन राशि। जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो उनका नाम मन में सोच सकते हो। कई लोग मैसेज करते हैं, मैम हमारा तो कोई पार्टनर ही नहीं है, तो आप मत देखिए। और अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए कि अगर आपका पार्टनर होगा तो वो कैसा बिहेव करने वाला है। तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस आप मत करिए। चलिए देखते हैं मीन राशि। ओके, 1 से 15 सितंबर तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। वाओ, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है विथ अवेयरनेस कार्ड। ओके, 6-7 मीन्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था आपको इस रिश्ते में, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार एक ही पर्सन पजेसिव है और दूसरा पर्सन कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप ही की तरफ से सारा वर्क किया जा रहा है इस रिश्ते को निभाने के लिए और आपका पर्सन कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो 1 से 15 सितंबर के बीच में देखिएगा आपके पर्सन की पर्सन ऐसा कुछ करेंगे आपके लिए जिससे कि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया, या फिर जो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको एक खोने का डर, आपको खोने का डर उनको होने वाला है। उन वो कहीं ना कहीं भगवान से ये प्रे कर रहे होंगे कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन मेरी लाइफ से ना जाए। एक अपनी गलती का एहसास होना वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लवर्स की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट होकर, बहुत ही प्यार, बहुत ही अफेक्शन लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए बुके लेकर, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है तो भी वो आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे क्योंकि उन्हें एक मेजर चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो एक मेजर चेंज जो कि फ्यूचर में रहने वाला है, टिका रहने वाला है। देखिए माइनर अरकाना के कार्ड्स होते तो वो हो सकता था कि कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन नहीं, इस बार आपके पार्टनर परमानेंट चेंज होकर आपके सामने, आपके पास आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रख लिया, अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, एक नई शुरुआत, नई कहानी बनाना चाहते हैं, अपनी लव स्टोरी को नया रूप देना चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि यार चाहे कोई भी लाइफ में आया हो लेकिन मुझे ऐसा पर्सन कभी नहीं मिला, इतना प्यार करने वाला कभी नहीं मिला। सो बहुत टाइम के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया है कि उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से करनी है। यस, इंटेंसिटी एंड पार्टिसिपेशन। बहुत से लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी शादी तक की बात हो सकती है, कमिटमेंट वाला रिश्ता उनके साथ जुड़ सकता है। और जो देखिए ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग सिचुएशन लोगों के साथ होगी, तो जो अपनी शादी सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो यस उनके लिए एक नया रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है जिससे कि उनकी शादी 100% होगी। एंड जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो उनका जो रिश्ता है वो कमिटमेंट की तरफ बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो इनका ब्रेकअप हो गया था, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ हुआ था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो उनका रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इस बीच में। अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या होगी पाइसेस अपनी पार्टनर के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या होगी अपने पार्टनर के लिए। द मास्टर एंड नॉथिंगनेस। ओके,
देखिए दोनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि यस आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप भी इस एनर्जी का वेट कर रहे थे कि कब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, कब आपको भी दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, कब आप पे भी शावर हो ब्लेसिंग्स का, तो आप भी इंतज़ार कर रहे थे। और अब मुझे ये दिख रहा है कि 1st to 15 आप बिल्कुल खाली है यहाँ पर, आप मतलब कि अब आप रेडी हो एक नई शुरुआत करने के लिए, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियरली। आप कुछ नहीं सोचना चाहते, कुछ नहीं देखना चाहते अपने फ्यूचर के बारे में, आप सिर्फ आज को प्रेजेंट को जीना चाहते हो। आप ये देखना चाहते हो कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है उससे मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। उसके अलावा आप बिल्कुल न्यूट्रल है अभी, आपके मन में न तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है न बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके पर्सन को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचोगे। आप सिर्फ उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार हो जो भगवान यहाँ पर, जो यूनिवर्स आपको देने के दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपकी तरफ क्या होंगे। मीन राशि, आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपकी तरफ क्या होंगे। एक्सप्रेस योर लव, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स कॉलिंग योर सोलमेट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ओके, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इस बार, लेकिन पता है वो आपसे क्या चाहेंगे, उनके मन में ये चीज़ भी रहेगी कि आप इस लव लाइफ को लेकर, आप उनको लेकर कितना पजेसिव हो, आप उनके लेकर कितना प्यार करते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या आप भी उनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यार हो सकता है कि बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कि ये प्यार आगे तक ना जाए। तो उनके मन में बहुत सारी दुविधाएँ भी चल रही है, पॉजिटिव भी है इस रिश्ते को लेकर, उन्हें पता है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए कन्फ्यूज़ हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत सारी बातें चल रही है। तो अगर अब तक आपने एक्सप्रेस नहीं किया है अपना प्यार, अब तक अगर आपने अपने दिल की बातें नहीं बताई है, और अगर आप बताना चाहते हो तो बता दीजिए, ये राइट टाइम है जब आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, अगर आपकी कुछ एक्सप्रेस करने से, आपके बताने से, आपके बात करने से, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। मीन राशि, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। अप्रिशिएशन, द टेंपल पाथ। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि एक्चुअली आप इस प्यार में एक्सप्रेसिव नहीं बन रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और यहाँ आपके पार्टनर को नज़र नहीं आ रहा है कि आपके मन में उनके लिए क्या है अभी इस टाइम। तो वो चाहते हैं सबसे पहले तो कि आप अपने मन में जो भी है उसको निकालो, जो भी प्यार है, जितना भी प्यार है आप उसको बताओ, आप उनके साथ कैसा कनेक्शन फील करते हो, आप उनको ये बात शेयर करो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप मतलब कि आपके पास सॉल्यूशंस है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतनी ताकत है कि आपके पास सारे सॉल्यूशंस है, आप उनके साथ बहुत आगे तक जा सकते हो, लेकिन आप वो चीज़ सामने नहीं लेकर आ रहे हो, वो चीज़ अब आप में उतनी हिम्मत दिख नहीं रही है अभी कि आप हिम्मत करके आगे से उनके पास जाओ, उनके लिए कोई स्टैंड लो। अगर आपके बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर है, फैमिली इश्यूज है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए स्टैंड लो, लेकिन अभी आप में उतनी हिम्मत नहीं है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो हिम्मत आप दिखाओ, आप आगे बढ़ो, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आपके पार्टनर आपको हो सकता है कि इन 15 दिनों में ये बातें समझाए कि अरे तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम ये सोचो कि तुम्हारी लाइफ की में आगे क्या होगा, तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा किसी के, अगर तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे लिए स्टैंड लो। तो मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप ओवरऑल आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो। देखिए वॉकिंग अवे कार्ड है, आपके पार्टनर बार बार पलट के आपको याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हें मेरे साथ चलना है तो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, मेरा हाथ थामना पड़ेगा, तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार मुझे कुछ तो एक्शन लेना है। तो यहाँ आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो जिस तरह वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं आप बढ़ो उनके साथ,
आप उनके साथ आगे बढ़ो, आप खुद सॉल्यूशन निकालो अपनी प्रॉब्लम्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा मीन राशि। आपके पार्टनर का अगला कदम होगा आपकी तरफ आपका इंतज़ार करना, आपका जो प्यार है उसको रिसीव करना, आपका मतलब कि तहे दिल से आपका इंतज़ार करना। सच में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को एक्चुअली आपकी वैल्यू है ना समझ में आ गई है। आप खुद रियलाइज़ करोगे 1 से 15 सितंबर के बीच में कि आपके पार्टनर आपको आज तक कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी। आपके पार्टनर आपसे बातें करेंगे, बहुत सारी चैट आप दोनों के बीच में हो सकती है इसमें, और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर उनका आपको देखने को मिलेगा। आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएंगे। अगर अब तक वो आपको किसी भी बात पर रोकते टोकते नहीं थे, तो आप देखोगे कि इस बीच वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रहे हैं लाइक आप उन्हीं के ही हो, और वो ये कहते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार लंबे समय तक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दिल से वो आपका इंतज़ार लंबे समय तक करते हुए भी यहाँ आपके लिए नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन राशि क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए, आपको क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। स्ले देम ऑल, देखो मैंने कहा ना हिम्मत करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर भी आपको यही समझा रहे थे कि उठो, लोग तो टांग खींचेंगे ही, लोग तो कहेंगे ही सही कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम्हारे में स्ट्रेंथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, लेकिन नहीं, उठो। यहाँ पर आपको यही गाइड किया जा रहा है कि जो आपके सराउंडिंग लोग हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो इन्होंने आपको बांध के रखा है, उनको हटाओ अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो सबसे पहले ज़रूरत है खुद में हिम्मत लाने की, स्ट्रेंथ लाने की। अगेन स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, देखिए फिर से ये कहा जा रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, दुनिया के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो लोग आपके सपोर्ट में अपने आप खड़े हो जाएंगे। लोग इसलिए सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। जिस दिन आपने हिम्मत दिखाई, लोग अपने आप आपके साथ होंगे। कॉन्फिडेंस इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पता है जब एक इंसान में पेशेंस, जैसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, तो उसके साथ ही कॉन्फिडेंस भी उतना ही है। उस इंसान को किस टाइम पे किस चीज़ को उठाना है वो समझने की ज़रूरत है। अब आप अपने तलवार खुद अपने साथ रख सकते हो। देखो कॉन्फिडेंस है, एक नया समय आपका शुरू हो रहा है, मैं देख रही हूँ। ये सितंबर मंथ से हो सकता है कि कुछ ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं आपके, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप अपने आप में देखोगे, अपने आप में पाओगे। जो बहुत ज़्यादा इमोशंस लेके घूमता था, अब तलवार लेके घूमेगा। अब वो किसी की सुनने वाला नहीं है, अब उन्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। देखो सारे मैसेजेस आप खुद पढ़ सकते हो कि आपकी किस चीज़ को दिखा रहे हैं। अब तक दुनिया आपको चला रही थी, दुनिया नचा रही थी, जैसा लोग कह रहे थे वैसे आप चले जा रहे थे, लेकिन अब सही समय आ गया है जब आप खुद अपनी स्टोरी खुद लिखो, जब आप खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। तो स्टार्ट कर दीजिए पॉजिटिव होकर, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए, खुद को कॉन्फिडेंट बनाते हुए आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लास्ट में हम देखते हैं क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है 1 से 15 सितंबर के बीच में मीन राशि, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कर्क राशि एंड स्कॉर्पियो के, आपका पार्टनर जो है कर्क राशि या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो दोनों ही कार्ड वाटर एलिमेंट के कार्ड है, जो कि यहाँ पे दिखाते हैं कि अपने इमोशंस को किस तरह बैलेंस रखना है, किस तरह प्रैक्टिकल होना है, किस तरह लोगों के माइंड को रीड करना है, सीक्रेटिव बनना है, कैसे आपको मतलब हर चीज़ में मास्टर बनना है, कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है। पता है ये सारी एनर्जी मैंने जैसा आपकी रीडिंग भी की है, तो उसमें देखो मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि कुछ चेंजेस आप में आने वाले हैं। ये देखना, यही आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हो।
इमोशंस से लेकर आप अपने आप को बहुत ही रहस्यमय बनाने वाले हो। मतलब कहाँ आपके मन में बहुत प्यार था, उस प्यार को आपने अब बैलेंस करना सीख लिया है, उस प्यार का सही यूज़ करना आपने सीख लिया है, वो अब आपको समझ में आएगा। वो अब जो आपके मतलब कि कर्मा थे ना, वो अब अच्छे पॉजिटिव कर्मों का उदय हुआ है और अब आप में एक अच्छी एक नई समझ क्रिएट हुई है। यही आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होगी इन 15 दिनों के अंदर। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग 1 से 15 सितंबर के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।